ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। केतु से संबंधित रहस्यों का कल के वीडियो में लगातार आप लोगों को बताया गया कि केतु एक अलगाववादी ग्रह है। केतु सेपरेटिंग टेंडेंसी को जानता है, जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित रिश्तेदारों से आपको अलगाव करा देता है, जिस भाव में बैठता है वहाँ से आपको अनसेटिस्फाइड करा देता है। केतु के 12 भावों में आपने प्रभाव देख लिया और आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे राहु के प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव रहते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, कल के वीडियो में ये आपने ज़रूर जाना था कि राहु और केतु जो हैं एक नोड होते हैं, जो कि अर्थ के ऑर्बिट और मून के ऑर्बिट को जब ये कट करते हैं तो ये दो पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करता है और हमेशा रहने के कारण ये अमरत्व इनको प्राप्त है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको कहा था कि ये अमर हैं। राहु काल की गणना की जाती है, केतु काल की गणना क्यों नहीं की जाती है? केतु काल जो होता है रात्रि में होता है, राहु काल जो होता है वो दिन के समय में होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय राहु काल आपको देखने को मिलेगा, इसके बीच में ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य का जो संबंध होता है वो डायरेक्टली राहु से हो जाता है, या ये कहा जाए, कल के रिसर्च में बताया था कि राहु जो होता है वो सूर्य से प्रभावित रहता है और उसी को बार बार टारगेट बनाकर चलता है और उसी को ग्रसित भी करता है। इसी तरीके से जो केतु होता है उसका प्रभाव हमेशा चंद्रमा की तरफ होता है और वो चंद्रमा को ग्रसित करता रहता है। इसीलिए चंद्रमा अर्थात मन पर केतु की जब प्रतिबिंब पड़ती है तो हमें भी अलगाव सा महसूस होना प्रारंभ होता है, क्योंकि मन पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा आदमी उसी तरीके से सोचता है। तो आज की श्रृंखला में बात करते हैं, अगर राहु प्रथम भाव में हो तो प्रथम भाव का राहु, देखिए राहु के प्रेडिक्शन को समझना है तो कुछ बातों को नोट कर लीजिए। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव में मैग्नीफाई कर देता है, उस भाव के प्रभाव को एकदम से बढ़ा देता है। अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो प्रथम भाव क्या होता है? प्रथम भाव आप खुद होते हैं, आपका लगन होता है, आपका जो पर्सनालिटी होता है उसको एकदम से बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या करता है यहाँ पर कि आप खुद केवल अपने बारे में सोचिएगा, दूसरों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इफ बट नहीं सोचने को मिलेगा, किसी दूसरे के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं। हमेशा जब भी बात करेंगे अपने स्वार्थ के लिए बात करेंगे, अपने लिए बात करेंगे, और इस कारणवश जो आपका वैवाहिक जीवन होता है वो भी त्रस्त रहता है। सातवें भाव पर केतु बैठता है, वैसे ही केतु से भी देखा जाए तो वो अलगाव कराता है, और जब आपका मन या आपका जो पूरा शरीर है केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने जीवन साथी के बारे में भी नहीं सोचेगा, तो अलगाव तो करा ही देगा। इसलिए यहाँ पर स्वार्थी इंसान को बनाता है। लेकिन इंसान जब अपने बारे में पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है तो अपना नेम फेम वो पूरा मेहनत करने के परिणाम स्वरूप कर लेता है। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन होती है, अगर शुभ ग्रह देख लें तो इसमें अलगाव जो होता है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब आदमी फिर धर्म की बातों को भी समझता है, बृहस्पति के प्रभाव के कारण या शुक्र के प्रभाव के कारण, सौम्य ग्रहों के प्रभाव के कारण ये चीज़ों को सही क्या है गलत क्या है किसके बारे में आपको कॉन्सेंट्रेट करना ये भी ज्ञान देता है। लेकिन अशुभ ग्रह जितने ज़्यादा लगन में बैठेंगे इंसान जो रहेगा उतना ही ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, देश दुनिया की को के बारे में उसको कोई खबर नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर राहु द्वितीय भाव में बैठता है तो द्वितीय भाव वाड़ी का होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, द्वितीय भाव जो होता है आपके परिवार का होता है, संचित धन का होता है, और वहाँ पर राहु बैठ जाए, अकेला राहु अगर बैठ जाता है तो निश्चित रूप से ये राहु आपको अलगाव करा देता है, परिवार से आपका अलगाव हो जाता है, और साथ में ये धन को संचित करने का पूरा प्रयास करते हैं, मतलब हमेशा सोचते समझते जी, मतलब हर कंडीशन में कहा जाए प्रत्येक स्थिति में ये यही चाहते हैं कि धन किस तरीके से बढ़े, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन उल्टा कमज़ोर पड़ जाता है। और संचित धन जो होता है, अगर राहु का संचित धन होता है तो निश्चित रूप से जो राहु होता है वो कला
आकार भी होता है, राहु जो होता है मायावी भी होता है। तो ये संचित धर ऐसा जातक जो होता है वो मीडिया या फिल्म लाइन से भी जुड़ाव जल्दी कर लेता है। द्वितीय भाव में राहु को बैठने के कारण मांस मदिरा इत्यादि का जातक जो है सेवन जरूर करता है, और अगर बृहस्पति या शुक्र के प्रभाव में रहते हैं तब तो यहाँ पर थोड़ा ईमानदारी के साथ भी धन को संचित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अशुभ ग्रह पड़ जाए, विशेष रूप से अगर शनि और राहु द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जिंदगी भर कभी पैसा इंसान नहीं जुटा पाता है, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, कर्जे उतरते ही नहीं है, और अपने नाम से ऐसे लोगों को कभी भी अकाउंट में पैसा रखना भी नहीं चाहिए। तृतीय भाव में अगर राहु होगा तो सामान्यता जो है बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है, आदमी हिम्मती होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है, टीम लीडर की भूमिका निभाता है। और तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का भी है, तीसरा भाव मित्रों का भी होता है, इसलिए मित्र मंडली इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, यानी इनके जो मित्रों का जो ये हमेशा मित्र के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में तो सोचेंगे लेकिन साथ में मित्रों के बारे में भी ज़्यादा सोचेंगे, और इनके जो फ्रेंड सर्किल होते हैं इतने ज़्यादा हो जाती हैं, और परिवार में कहा जाए ये सामाजिक होते हैं, एक्चुअली में कहा जाए तो ये सामाजिक होते हैं, समाज में इनका आना जाना लगा रहता है, कम से कम लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो लगन वाले तो निश्चित रूप से स्वार्थी होते हैं। तृतीय भाव का अगर राहु होगा तो आपको सामाजिक बना देगा, जिससे आपकी मान पद प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ती है और अपने बात को वो मनवा भी देता है। चतुर्थ भाव का जो राहु होता है, सामान्यतः अगर अकेला बैठा हो तो निश्चित रूप से भूमि वाहन मकान अर्थात प्रॉपर्टी में मैग्निफिकेशन कर देता है, उसको बढ़ा देता है। ऐसे जातक के पास जो हो, चाहे वो एक नंबर का हो या दो नंबर का धन हो, किसी भी तरीके से धन को संचरित करते हुए प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, प्रॉपर्टी को काफ़ी तेजी से वो बढ़ा देता है। और इनका जो नेचर होता है हमेशा लग्जीरियस लाइफ को जीने का होता है, अगर शुक्र भी अच्छे प्रभाव में है या शुक्र से दृष्ट हो तो आदमी लग्जीरियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, और उनको सिंपल चीज़ें नहीं चाहिए, गाड़ी भी चाहिए तो खूब बड़ी गाड़ी चाहिए, महल चाहिए रहने के लिए, सिंपल मकान नहीं चाहिए। तो चतुर्थ भाव का राहु जो है ऐसा काम करता है। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ती है तो निश्चित रूप से इस कंडीशन में इंसान जेल यात्रा भी कर जाता है, क्योंकि संचित धर्म दो नंबर के पैसे से अगर होगा, अगर मकान बनाया तो इंसान को जेल यात्रा भी देखने को मिलती है। इसके बाद पंचम भाव की बात किया जाए तो पंचम भाव का जो राहु होता है, पंचम भाव आपका संतान का भाव है, पंचम भाव आपके मस्तिष्क का भाव है, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो इन सभी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है राहु। लेकिन राहु का यहाँ पर प्रेम प्रसंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, प्रेम प्रसंग खूब सारे चलते रहते हैं, और इस कारण से इंसान जो होता है उसके माइंड में जो है शरारत हमेशा, मतलब उनका जो माइंड रहता है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, और शिक्षा भी इस तरीके से पूरी नहीं हो पाती, शिक्षा पर ग्रहण सा लग जाता है, और उधर संबंधित परेशानी भी, गैसीय पीड़ा भी जो होती है वो राहु पंचम का यहाँ पर ज़रूर करा देता है। विशेष रूप से अगर काफ़ी प्रभाव दूषित ग्रहों से यानी शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो तो निश्चित रूप से काफ़ी निगेटिव प्रभाव यहाँ पर देता है। इसके अलावा धर्म को इंसान नहीं मानता है और पूरा टाइम लव रोमांस में ही व्यतीत करता है। इसके अलावा छठवें भाव का जो राहु होता है सबसे अच्छा फल देता है। छठवें भाव का राहु जो होता है एक प्रकार से डिबेट में, जो लोग अपना को डिबेट कंपटीशन इत्यादि में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि गले पे भी राहु बैठता है तो डिप्लोमेटिक हो जाता है यहाँ पर, और डिबेट इत्यादि में या आप ये कहिए कि जिसमें वाद विवाद चीज़ें होती हैं उसमें बड़ी जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम को सुलझाना और साथ में न्यायिक मामलों में ऐसे दलील को प्रस्तुत कर देता है, जनरली लॉयर्स भी यहाँ पर ये बना देता है राहु, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉयर हो चाहे जनरली लॉयर कहा जाए वहाँ पर लॉयर भी बना देता है, क्योंकि राहु जो है वो पांचवीं दृष्टि से दशम भाव को भी देखता है, तो लॉयर का बनने के लिए भी राहु का छठवें भाव में होना बड़ी ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पर शत्रु हंता का भी योग बना देता है, शत्रु को ख़त्म कर देता है। सप्तम भाव का जो राहु होता है वो काम वासना में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व करा देता है, इस कारण से आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होता है, बिजनेस पार्ट
पार्टनर भी अगर एक के साथ करेगा तो वो पार्टनरशिप टूट जाएगी, फिर दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, तीसरे के साथ करेगा, और इस तरीके से लगातार पार्टनरशिप में भी कहीं ना कभी भी राहत इनको नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो लाइफ तो चलती रहती है, लेकिन जैसे ही दशा अंतरदशा या गोचर ऐसा होता है, ये अपने फिर संबंध बनाने के लिए ये व्याकुल हो जाते हैं। अष्टम भाव का जो राहु होता है वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होता है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा, गूढ़ रहस्यों का भाव अष्टम होता है, और अष्टम भाव का जब राहु होता है यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। विशेष रूप से जिन लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करना चाहते हैं, अनुसंधान वाले क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अध्ययन शक्ति काफ़ी बढ़ा देता है, तार्किक शक्ति बढ़ा देता है, और इंसान रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चला जाता है। इसके बाद नवम भाव का अगर राहु देखते हैं तो नवम भाव में राहु कभी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं कर पाता है, धर्म को नहीं मानता, धर्म से बढ़कर कर्म को मानता है, पिता के साथ भी वाद विवाद ज़्यादा करने लगता है। धर्म हालांकि पिता के भाव में राहु बैठा है तो दशा अंतरदशा में पिता का भाग्य तो बढ़ा देगा, लेकिन सामान्यतः पिता के साथ कॉन्ट्राडिक्शन भी करा देगा, वैचारिक मतभेद भी करा देगा, और धर्म को सामान्यतः नहीं मानेगा। ऐसे जातक जो हैं धर्म को ज़्यादा नहीं मानते। शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहें, बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट हों, या ये सौम्य चंद्रमा से अगर दृष्ट होते हैं तो उस कंडीशन में ये धर्म को भी मानना प्रारंभ कर देते हैं। दशम भाव का जो राहु होता है सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। दशम भाव का जो राहु होता है एक तो कॉरपोरेट में आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम दे देता है, किसी बड़े कंपनी में आप CEO CFO इस बड़े पोस्ट पर आप रहते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो ट्रेडिंग से इन्वॉल्व होता है और वो फिजिकल ट्रेडिंग होती है, किसी ना किसी तरीके का खरीदना बेचना ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करा देता है, और आप इसमें अगर सूर्य या मंगल भी साथ में बैठ जाते हैं तो दशम भाव में ये दिशा बली हो जाते हैं सूर्य और मंगल, इस कारण से आपका जो प्रभुत्व रहता है राहु यहाँ पर और भी अच्छा हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दशम भाव का जो राहु होता है राजनीतिक सफलता दे देता है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका राहु दशम में ज़रूर होता है। एकादश भाव का जो राहु होता है निश्चित रूप से दो नंबर के पैसे को संचित करने में काफ़ी हेल्प करता है। हालांकि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु का एकादश भाव में बैठकर अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ फिर भी जो है दो नंबर के पैसे आएंगे, लेकिन वो लीगल तरीके से ही आने वाले हैं, कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करके पैसे को अपना बना लेते हैं, लेकिन अगर अशुभ ग्रह होगा तो यही पैसे आपको आगे टाइम में बहुत परेशानी उत्पन्न कर देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रखते हैं। राहु का जो प्रभाव रहता है एक द्वादश भाव में यानी अंतिम भाव में, राहु कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। एक तो विदेश में जाने का योग तो बनाते हैं लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा टिकने नहीं देते हैं, और साथ में राहु का द्वादश में बैठना जेल यात्रा के भी योग बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जेल यात्रा बहुत लंबे टाइम तक हो जाती है। अगर बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट होते हैं यानी शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़े उलझनों से ये बचा भी लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि राहु कहाँ पर है, और किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन देते समय ज़रूर लगन लगने की स्थिति को भी चेक किया जाता है। तो ये था पूरा 12 भावों में राहु का प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।